अरे वाह, ये तो गजब का ड्रामा हो गया। हम तो घर छोड़ के खुद ही नुकसान में। भैया आप 1 करोड़ दहेज में दिए, उसी पैसे से घर बना, गाड़ी आई और सानो शौकत बढ़ा, और हम खुद ही घर से निकल आए। वाह, और हमारे घर से निकलने से उन लोगों का तो फायदा हो गया ना, हा? वो हमारे पैसे पे सब चीज का मजा ले रहे हैं और हम यहाँ अपना खून जला रहे हैं। गुलकंद, ऐसे काहे बोल रही है तू? वो भी तो तुम्हारा ही परिवार है ना। देखो, जो कुछ हो सब भूल जाओ। देखा, कुछ समझ में आ रहा है? हमारे घर वाले कितने अच्छे हैं तुम्हारे घर वालों से। हम चलते हैं, बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। अब रुकिए, हम भी साथ चलते हैं। आते हैं। भुवनेश्वर जी, देखिए हमारा तो ये मानना है कि कोई भी रिश्ता जुड़ने से पहले मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। जहां रिश्तों का बात आता है ना, आंखें हमारा नम हो जाता। मतलब आप लोग आइए हमारे यहाँ, बस हम यही कहना चाहते हैं। और उसके बाद भी ना आपको हम ठीक नहीं लगे ना, तो आप ये रिश्ता नामंजूर कर दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। आइए आप लोग पहले। भैया बहुत सीधे हैं और आप भी गऊ हैं भाभी, लेकिन जमाना सीधा नहीं है। हमारे ससुराल वाले जलेबी के जैसे हैं, वो लोग हमारे भैया के मेहनत का पैसा दहेज में खाए हैं। अब भैया कोई धन्ना सेठ तो नहीं है ना, और ना ही कोई टकसाल लगा के बैठे कि जितना मन किया नोट छापते गए। उनका भी मेहनत का पैसा है। देखिएगा भाभी, इन लोग को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। लोगों का जीना हराम नहीं कर दिए तो हमारा नाम भी गुलकंद नहीं। नहीं नहीं गुलकंद, इतना गुस्सा ठीक नहीं। आप ऐसा कुछ मत करना, आप जानती है ना आपके भैया को ये सब पसंद नहीं। कहां से मैं लाऊंगा छापा साड़ी, अरे कहां से मैं लाऊंगा बंगला गाड़ी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते भाभी, जुगनू बोल रहे हैं। नालायक भाभी जी बोल, तुमको भी चर्बी चढ़ गया है क्या? हैं, हम वहां से हट के आ गए, सारा तमीज भूल गए तुम। हैं, हम वहां आ गए ना तो तुम्हारा सारा बदतमीजी धर देंगे पिछवाड़े में। माफ कर दी भाभी जी, गलती हो गई। अच्छा ठीक है, कांपना बंद करो। और ये बताओ, वो भक्तिन बिल्ली कहाँ है? भक्तिन बिल्ली? हाँ, हमारी सास संतोषी देवी। अच्छा, वो पूजा कर रही है? हाँ हाँ, वो भक्तिन बिल्ली और कर का सकती है, उनसे और कुछ होने वाला भी नहीं है। और वो नटरू कहाँ है? नटरू क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है का? हैं, खाली देर से अनाज ठूसने के लिए बैठे हो? अरे नटरू, हमारे ससुर, कहाँ कुंडली बाज रहे हैं वो? अच्छा जी, वो बाहर गए हैं। बाहर? जो आदमी इतना आलसी है, जो अपने सिंहासन से उठ के एक कप चाय नहीं पी सकता है, जिसको घर से बाहर निकलने में आफत आ जाता है, वो बाहर कहाँ गए? जी चायबासा गए हैं वो। चायबासा कहाँ गए हैं? पता नहीं भाभी जी। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, और हाँ किसी को बताना नहीं कि हम फोन किए थे। अब वहां सर हिलाओगे तो हमको यहाँ दिखेगा का? मुंह से कुछ फूटो। जी भाभी जी। चाय बासा काए गए, क्या बात, पता लगाना पड़ेगा। इतना सब कुछ ना किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम लड़का वाला हैं? अरे परंपरा है साहब। अरे भुवनेश्वर जी, यही परंपरा जो है ना, हम खत्म करना चाहते हैं। अरे आप ऐसा काहे कह रहे हैं, आप मेहमान हैं तो ये सब तो करना ही था। अरे और हमारी दीदी जो है ना, कोई भी घर पे आए, कोई भी, बिना खाए नहीं जाने देती हैं। वाह, देख रहे हैं,
इसे कहते हैं संस्कार। भाई वाह। अरे आप सिंघाड़ा लीजिए ना, पायल बनाई है, बहुत अच्छा बनाती है। हाँ तो फिर ठीक है भाई, तब तो खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ए रजत बेटा दो ना। ला भाई, दो ना, एक ही बहुत है। ना ना लीजिए। बहुत अच्छा।